हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y28 5G फ़ोन है, तो वीवो Y28 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को कैसे आप डाउनलोड करके चेंज कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, और फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को कैसे बदल सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फॉन्ट स्टाइल्स को चेंज कैसे कर सकते हैं एंड आप फॉन्ट स्टाइल्स को आप कैसे बदल सकते हैं वीवो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो जो भी आप फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं डाउनलोड करके, तो फॉन्ट स्टाइल्स को आप बदल सकते हैं। एंड आपको जाना होगा डिस्प्ले सेटिंग्स पे। क्लिक करते डिस्प्ले सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आपके पास से फॉन्ट स्टाइल्स का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फॉन्ट स्टाइल आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉन्ट्स को। देख सकते हैं कि यहाँ से फॉन्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई भी फ्री थीम्स है या फिर फ्री फॉन्ट्स है, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं डाउनलोड करके। जैसे हमारे पास ये बहुत सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं, जिनको भी आप सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। एंड आप चेंज करना चाहें तो इस तरीके से अप्लाई करके चेंज भी कर सकते हैं, और आपका जो टेक्स्ट है बदल जाएगा और फॉन्ट्स भी बदल जाएगा। तो इस तरीके से भी फॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। और आप चाहें तो फॉन्ट्स को डिफ्यूल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से जाकर फॉन्ट स्टाइल सेटिंग्स पे जाकर आप डिफ्यूल्ट पे क्लिक करते हैं, तो जो फॉन्ट्स है आपका पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल्स को बदल सकते हैं अपने वीवो फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।